तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुगल चहल आज फिर आपके साथ एक डिस्कस करने आया हूँ कॉमन प्रॉब्लम जिससे काफी लोग परेशान होते हैं, यूरिन इनकंटिनेंस, यानी कि बार बार पेशाब आना, जिसकी वजह से रात को कई बार उठना पड़ सकता है, नींद डिस्टर्ब होती रहती है और दिन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन इनकंटिनेंस मीन्स अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता। जब भी थोड़ा सा भी यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो इमिडिएटली अर्ज हो जाती है कि इमिडिएटली वॉशरूम जाकर उसको इवैक्यूएट किया जाए। और धीरे धीरे इसमें और भी सिम्टम आने लगते हैं, लीक होने लगता है, पेशाब कपड़ों में ही लीक हो सकता है। जब हम कफ करते हैं, खांसी आ जाती है, या स्नीजिंग, छींकते हैं, हंसते वक्त भी कई बार ऐसा होता है, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त भी हमारा यूरिन लीक हो सकता है बूंद करके। वो सडनली इसमें क्या होता है, कंट्रोल ना होने की वजह से एक सडन अर्ज होती है, इमिडिएटली यू शुड रश टू द वॉशरूम। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने की वजह से बार बार पेशाब आने से रात को नींद भी खराब हो सकती है। और अगर जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गई है, एनलार्जमेंट हो गई है, तो उसकी वजह से भी ड्रिबलिंग हो सकती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब आ सकता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता। उसका मेन कारण जो है वो है हमारा एक्सेसिव अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग और सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स। ये अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमारा यूरिन के ऊपर कंट्रोल खत्म हो सकता है। देन कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमारे यूरिन को कंट्रोल नहीं करने देंगे अगर हम एक्सेसिवली ज्यादा ले रहे हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिसीज, की हार्ट डिसीज से वो ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, या कोई सेडेटिव्स ले रहे हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स ले रहे हैं, उनसे भी हमें नहीं होगा। तो इसके लिए प्रिवेंशन जरूरी है कि एक तो हमें हेल्दी वेट रखना चाहिए अपना, और ज्यादातर हमें जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से हमारा यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें जो पेशाब जब हम करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, वी शुड नॉट यूरिन इन ए फ्लो, 5 to 6 times हमें उसको यूरिन को रोकना है, रिलीज करना है, रोकना है, रिलीज करना है ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर हम ये करते हैं तो इससे हमारा जो ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन मिलती है, स्ट्रेंथ होती है, उनको स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे हमारा यूरिन कंट्रोल बेटर रहेगा हमारे लिए। ऐसे ही यही स्क्वीजिंग एक्शन हम अगर दिन में 3 4 बार कर लें, 15 20 बार हर बार करेंगे दिन में 2 या 3 बार, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेंथ मिलेगी यूरिन को कंट्रोल करने के लिए। नॉर्मली इसका दवाइयां खाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कुछ समय बाद फिर दोबारा हो जाता है। हमारा सुजोक थेरेपी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बिना दवाई के हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा सुजोक में है, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर एरिया, इसको हमें मसाज करना है ऐसे, इस साइड से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है, ताकि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो और उसको कंट्रोल कर सके। तो इसको हमें ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना, नीचे की तरफ मसाज ना करें, ऊपर की तरफ ही हमें मसाज करना है। देन हमें इसी पॉइंट पे ब्लैक कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय द कोल्डनेस एनर्जी। इट मीन्स इट इज गिविंग द होल्डिंग कैपेसिटी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और अगर हमारी होल्डिंग कैपेसिटी यूरिनरी ब्लैडर की कम हो रही है, तो इसका मतलब देर इज ए डिक्रीज इन द कोल्डनेस एनर्जी इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर पे ब्लैक कलर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये, इससे हमारे ब्लैडर की जो कोल्डनेस एनर्जी बढ़ेगी और हमारे होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी। दूसरा ऐसा ही पॉइंट हम यहाँ पर उंगली पे जो लगा, ये कैसा लगा सकते हैं ब्लैक कलर में ही, यूरिनरी ब्लैडर का जो मरीडियन है हमारा, इसको हम टोनिफाई कर सकते हैं। ये मरीडियन हमारा इधर से, तो इसको टोनिफाई हमें यहाँ से शुरू करना है हमें, ये
और इधर लाना है, ब्लैक कलर की लाइन ऐसे खींचनी है इसके ऊपर। इसके साथ ही साथ हम, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या अगर गैसेस बन रही हैं तब भी हमारा यूरिन ब्लैडर का कंट्रोल कम हो सकता है, उसके लिए हमें इस साइड में भी ग्रीन कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जो गैसेस हैं वो कम बने। इस साइड में ग्रीन कलर, ये हमारा नेल से ऐसे आएगा ग्रीन कलर, और साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमारा ये लाइन है, इधर से पंप की तरफ जो ये लाइन होती है हमारी, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन भी इससे ठीक होता है। और हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइवर्जन ज्वाइंट भी होता है हमारी इस फिंगर के ऊपर, ये ज्वाइंट जो हमारा बाहर का ज्वाइंट होता है, इस पे भी हम ब्लैक पॉइंट, यहाँ पर दूसरी तरफ भी ब्लैक पॉइंट, और जो बैक साइड में है वो ग्रीन पॉइंट अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ब्लैक ब्लैक ग्रीन, ब्लैक इस साइड में, ब्लैक इस साइड में, और ग्रीन सेंटर में लगाते हैं, और एक ब्लैक पॉइंट हम इस पॉइंट पे लगाते हैं अगर, तो हमारा ये यूरिन पे हम कंट्रोल बड़ी जल्दी मिलता है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो सबको हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जितना भी ज़्यादा हो सके सबको फायदा हो इसका। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, गुदूद जिसको बोलते हैं, ये जेंट्स की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।